हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल माय नेम इज चेतन तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि फैलेसीज है सो ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर वन में रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ था सो दिस टॉपिक ऑफ फैलेसीज इट फॉल्स अंडर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ योर पेपर वन सो फ्रेंड्स इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स नाउ लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए फैलेसी होता क्या है सो व्हाट इज अ फैलेसी सो मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझा रखा है कि वॉट इज एन आर्ग्यूमेंट वॉट इज द वैलिड आर्ग्यूमेंट राइट सो करेक्ट रीजनिंग जो होती है यानी कि वैलिड आर्ग्यूमेंट उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है तो उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे अगर आपको नहीं पता कि वॉट इज करेक्ट रीजनिंग सो करेक्ट रीजनिंग जो होती है इट इन्वॉल्व क्लियर एक्सप्रेशन एंड वैलिड फॉर्म तो देखिए दो चीजें जरूरी हैं एक्सप्रेशन एंड फॉर्म तो जो फॉर्म है या जो स्ट्रक्चर होता है का, वो भी वैलिड होना चाहिए इट इज अस्टेकन बिलीफ विच इज बेस्ड ऑन आर अन्यूमेंट एंड फैलेन बी क्लासिफाइड इन टू फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलिस सो फॉर्मल फैलिस आर द फैलिस ड्यू टू फ्लॉ इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड इनफॉर्मल फैलिस कंटेंट सो फॉर्मल फैलेसी में स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है और इनफॉर्मल में कंटेंट या फिर एक्सप्रेशन के ऊपर सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैलिसी ना अब हम एक एक करके इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे ना वी विल डिस्कस द टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉर्मल फैलिस And then we will discuss informal fallacies. So friends, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी doubt आ रहा है, तो आप chat box में उसको लिख सकते हैं। so now formal fallacy को define करते हैं। So what is a formal fallacy? So जैसा कि मैंने आपको बताया, formal fallacy it is an error in the form arrangement or the technical structure of an argument. और आपको पता है, एक argument में premise होती हैं और conclusion होता है। अब वो premise एक प्रीमाइज हो सकती है दो प्रीमाइज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे हमारी प्रिमाइस ट्रू भी हो सकती है और हमारी प्रिमाइज फॉल्स भी हो सकती है बट बेसिकली हमारा फोकस जो होता है वो होता है कि हमारी आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड हमारा यहाँ पे फोकस ट्रू या फॉल्स पे नहीं होता हमारा फोकस होता है कि हमारा आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है राइट बट बेसिकली अगर उसका स्ट्रक्चर सही है तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है और और अगर उसका स्ट्रक्चर गलत है तो वो इनवैलिड वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया जैसे दिस इज अ ट्रू बट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट तो ये पहली दो हैं और थर्ड उसका कंक्लूजन है यहाँ पे जो दिए हैं उनमें पहली दो स्टेटमेंट प्रिमाइसिस हैं और थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन है तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में जानने के लिए आप स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट में बनाई गई वीडियो को जरूर देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो so, इस एग्जाम्पल को देखिए आप ऑल मैंगोज आर फ्रूट ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स दे आर फोर ऑल एप्पल्स अब अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनवैलिड है क्योंकि लेट्स से फ्रूट जो है वो एक बड़ा सर्कल है राइट और मैंगोज और एप्पल्स दो छोटे सर्कल हैं फ्रूट्स के अंदर तो हो सकता है कि एप्पल्स और मैंगोज में कुछ भी कॉमन ना हो भाई इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो सारी पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करे so, इस केस में आप देखेंगे कि कंक्लूजन हर केस में वैलिड नहीं होगा सिर्फ एक ही ऐसा केस होगा जिसमें कंक्लूजन वैलिड होगा सो दैट इज इज दिस एन जिसमेंट तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी ट्रू है अगर आप कहेंगे हाँ मैंगोज भी फ्रूट होते हैं एप्पल भी फ्रूट होते हैं बट यहाँ पे ट्रू ट्रूफॉल से मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है यानी कि क्या हम कंक्लूजन को इन दो प्रिमाइसिस के बेसिस पे क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते तो जब हम वेन डायग्राम बना के देखेंगे तो हम कहेंगे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ऐसी आप एक और एग्जाम्पल देखिए फॉल्स एंड इनवैलिड पे स्टेटमेंट भी फॉल्स है स्ट्रक्चर भी इनवैलिड है तो देखिए यहां पे कह रहे तो हैं सम मैन आर ग्रीन सोक्रेट्स इज अ मैन दे आर फोर सॉक्रेट्स इज ग्रीन अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट्स तो फॉल्स है ही मैन तो ग्रीन थोड़े ना होते हैं वो तो फॉल्स है ही बट स्ट्रक्चर भी इसका इनवैलिड है क्यों क्योंकि यहां पे सम मैन आर ग्रीन बोला है अगर तो यहां पे होता ऑल मैन आर ग्रीन तब तो ये वैलिड होती बट ये सम लिखा है इसलिए ये कंक्लूजन वैलिड नहीं है सिमिलरली इसको भी आप देखें सम मैन आर मॉडल अ मैन मॉडल तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो ट्रू है बट स्ट्रक्चर इसका इनवैलिड है क्योंकि अगर आप इसका वेन डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो अगर यहाँ पे सम की जगह ऑल होता तब तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होता बट यहाँ पे ऑल नहीं है यहाँ पे सम है इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है सो यह वैलिड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा राइट right? सो so, ये था फॉर्मल फैलेसी के बारे में नाउ लेट अस मूव टू इनफॉर्मल फैलेसी सो वॉट इज इनफॉर्मल फैलेसी दे अराइज ड्यू टू अनक्लियर एक्सप्रेशन सो फॉर्मल फैलेसी में हमने आपको बताया था कि इट इज ड्यू टू फ्लॉ इन द स्ट्रक्चर बट इनफॉर्मल में स्ट्रक्चर सही हो सकता है बट यहां फ्लो किस किसमें है फ्लो है एक्सप्रेशन में सो इनफॉर्मल फैलेसी इट कैन इंक्लूड मिस यूज ऑफ लैंग्वेज तो या तो वर्ड्स का गलत यूज है या फिर ग्रामर का सही यूज नहीं है और देयर कैन बी मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी फैक्ट तो हो सकता है फैक्ट ही गलत बताया हो और देयर कैन बी मिसकनसेप्शन और इलॉजिकल सीक्वेंसिस ऑफ थॉट तो अभी हम अलग अलग इनफॉर्मल फैलेसिज के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा राइट right? तो ये जो इनफॉर्मल फैलेसी होती है दे आर डिफिकल्ट टू स्पॉट तो इसको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता है कई बार और इसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मल फैलेसी के बारे में बताया वहां पर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है तो वहां पर तो आपको सिंपली देखना है कि क्या हम कंक्लूजन को डिड्यूस कर सकते हैं या फिर इन्फर कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर प्रोमाइसिस वहां पर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है बट इनफॉर्मल फैलेसी में आपकी थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है इसलिए ही इनको पहचानना भी मुश्किल होता है सो so, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फैलेसी का टॉपिक रिसेंटली ही यूजीसी नेट के पेपर वन में इंट्रोड्यूस हुआ है सो so, दिसंबर 2019 में भी इनफॉर्मल फैलेसीज में से क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर्मल इनफॉर्मल में से दैट इज वाई आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है सो नाउ लेट लेटस डिस्कस इनफॉर्मल फैलेसीज वन बाय वन सो फर्स्ट इज फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। तो ये क्या होता है इक्विवोकेशन? सो दिस फैलेसी इट मीनस यूज ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन मल्टीपल सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट सो एक ही वर्ड को अगर दो तरीके से यूज किया गया है और उसके बेसिस पे अगर हम गलत कंक्लूजन पे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन तो ये जो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है ये वर्बल फैलेसी भी कही जाती है इट इज अ टाइप ऑफ वर्बल फैलेसी तो वर्बल फैलेसी 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 में आपकी ऑफ 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 एम्फीवली एक्सेंट तो ये सारी जो होती है आपकी वर्बल फैलेसी में आती है क्योंकि यहाँ पे या तो आपने वर्ड्स का गलत यूज किया है या फिर ग्रामर का गलत यूज हुआ है तो बेसिकली ये आपकी वर्बल से जुड़ी है तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा लॉजिक टीचेज यू हाउ टू आर्ग्यू तो ये पहला प्रीमाइस है या पहली स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि लॉजिक हमें सिखाता है कि हमें आर्ग्यू कैसे करना है अब यहाँ पे आर्ग्यू का मतलब क्या है यहाँ पे आर्ग्यू का मतलब है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बहस वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे होता है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं पीपल आर्ग्यू इंटायरली टू मच यहाँ पे कह रहे हैं कि पीपल बहुत आर्ग्यू करते हैं बट यहाँ पे आर्ग्यू का मतलब अलग है यहाँ पे आर्ग्यू का मतलब है बहस करना कि लोगों को बहस करना बहुत पसंद है या लोग बहस बहुत करते हैं जबकि ऊपर जो आर्ग्यू है वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है तो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स है या दो प्रीमाइसिस हैं और थर्ड हमारा कंक्लूजन है तो कंक्लूजन क्या कह रहा है देआर फोर वी डोंट नीड टू टीच पीपल लॉजिक अब वो कह रहे हैं क्योंकि लोग काफी आर्ग्यू करते हैं तो इसलिए हमें उनको लॉजिक सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको आर्ग्यू करना तो पहले से ही आता है बट यहाँ पे आप देखिए ये एरर है क्यों क्योंकि पहली स्टेटमेंट में आर्ग्यू का मतलब अलग है वहां पे हम कह रहे हैं कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में हमारा मतलब है बहस करने से तो इसीलिए ये फैलेसी ऑफ इक्केशन है क्योंकि यहाँ पे सेम वर्ड वर्ड सेम है आर्ग्यू और आर्ग्यू लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है दोनों सेंटेंस में राइट नाउ नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एम्फीवोली अब ये क्या होता है इट अकर्स वेन सेंटेंस बिकॉज ऑफ इट्स ग्रामर स्ट्रक्चर और पंक्चुएशन कैन बी इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज अब यहाँ पे कह रहे हैं एक सेंटेंस को अगर हम दो या दो से ज्यादा तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं तो उसका मतलब है देर इज अ फैलेसी ऑफ बोली राइट तो एग्जाम्पल आप देखिए आपको क्लियर होगा हर पेरेंट्स वॉटर पेरेंट्स ने फूलों को पानी दिया फिर भी वो मर गए अब यहाँ पे वो मर गए से क्या मतलब है अब यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं या तो फूल मर गए और या फिर पेरेंट्स तो इसलिए यहाँ पे फैलेसी ऑफ एम्फी बोली है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए लास्ट नाइट आई कॉट अ प्राउलर इन माई पजामा प्राउलर मतलब आप कह सकते हैं थीफ या फिर जो कोई क्राइम करने आया हो तो कह रहे हैं मैंने पिछली रात को मैंने एक चोर आप इसको चोर समझ लीजिए एक चोर को पकड़ा इन माय पजामा अब इन माय पजामा का पे दो मतलब बन रहा है या तो चोर जो था उसने मेरे पजामा चोरी करने आया था मेरा पजामा पहन रखा था उसने और या फिर जब मैंने चोर को पकड़ा तो मैं अपने पजामे में था यानी कि मैंने पजामा पहन रखा था तो यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं अब देखिए इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन भी दे रखा है या फिर एक अलग स्टेटमेंट दे रखी है देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर पजामस लॉक्ड अप सिक्योरली वेयर नो वन एल्स कैन गेट देम तो कह रहे हैं कि हमारा पजामा चोरी ना हो इसलिए हमें उसको सेफली रखना चाहिए अब देखिए ये स्टेटमेंट या ये कंक्लूजन तब तो सही बैठता है अगर उस चोर ने पजामा चोरी किया था बट अगर इस स्टेटमेंट का मतलब हम ऐसे लें कि पिछली रात को जब मैंने चोर को पकड़ा तब मैंने पजामा पहना हुआ था तो अगर हम ये मतलब लेंगे पहले सेंटेंस का तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं होगा इसलिए यहाँ पे फैलेसी ऑफ एम्फी बोली है राइट right? तो ये फैलेसी ऑफ एम्फी बोली जो है इसको भी हम वर्बल फैलेसी कह सकते हैं या फिर फैलेसी ऑफ क्लैरिटी और फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी तो क्लैरिटी का मतलब तुम्हें तो पता है फैलेसी ऑफ क्लैरिटी मतलब यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है सेंटेंस का मतलब और फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी एम्बिक्यूटी जो होता है वो क्लैरिटी का ऑपोजिट होता है

एक बंदे पे एप्लीकेबल है तो वो पूरे ग्रुप पे भी एप्लीकेबल होगी इस तरीके की रीजनिंग है जो कि गलत हो जाती है कई बार कई बार सही भी होती है या कई बार गलत भी होती है अब इसका एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट या प्रिमाइस कह रही है कि इफ आई स्टैंड आई कैन सी बेटर अब मान लीजिए स्टेडियम में हम बहुत सारे लोग बैठे हैं तो अगर एक बंदा कहता है कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे मैच अच्छे से दिखेगा जो कि सही बात है बट अगर हम कहें कि अगर हम सब खड़े हो जाते हैं तो हम सबको अच्छा दिखेगा बट ऐसा नहीं है क्योंकि अगर सभी खड़े हो जाएंगे तो सभी को अच्छा नहीं दिखेगा अगर सिर्फ एक बंदा खड़ा होगा तो उसको अच्छा दिखेगा बट सबके खड़े होने से सबको मैच क्लियरली नहीं दिखेगा बल्कि लोगों का व्यू ब्लॉक हो जाएगा राइट सो so, ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर कोई चीज एक पर्सन या एक थिंग के लिए ट्रू हो तो वो सबके लिए ही ट्रू होगी ये किसी किसी केस में हो सकता है बट ये हर केस में नहीं होता राइट सो दिस इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन देन एक और एग्जाम्पल है इसका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या फिर पैराडॉक्स ऑफ सेविंग तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है इस पैराडॉक्स के हिसाब से हम बोलते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल सेव करता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है राइट अगर वो स्पेंडिंग कम करता है और पैसा सेव करता है तो उसके लिए अच्छा होता है लॉन्ग रन में बट अगर हम एक इकोनॉमी के लिए बोले तो मान लीजिए इकोनॉमी रिसेशन में है तो अगर इकोनॉमी में फिर सभी पूरी इकोनॉमी सेव करने लग जाए सारे लोग सेव करने लग जाए और स्पेंडिंग ना करें तो वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो जाएगा क्योंकि अगर लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो बिजनेसेस को इनकम नहीं होगी बिजनेसेस को इनकम नहीं होगी तो वो लोगों को हायर नहीं करेंगे और लोगों को हायर नहीं करेंगे तो इनकम तो नहीं होता कि ट्रू नहीं होता अब फेले का है, इसमें हम, क्या बोलते है? हम कहते हैं अगर कोई चीज पूरे ग्रुप के लिए ट्रू है तो वो उस ग्रुप के हर पार्ट के लिए भी ट्रू होगी बट ये भी हमेशा ट्रू नहीं होता ये भी कभी ट्रू हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो अब इसका एग्जाम्पल देखिए वॉटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें पता है पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है एंड वॉटर इज लिक्विड हमें पता है वॉटर लिक्विड है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वॉटर लिक्विड है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी लिक्विड होंगे क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तो वॉटर का पार्ट है बट ऐसा तो नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं और बेसिकली फॉर्म्स में ही है हाँ पे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ही है तो इसलिए ये एक फैलेसी है राइट देन अनदर इज द ओशियन सीन एज अ होल इज इन ब्लू कलर अगर हम पूरे समंदर को देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है बट अगर हम उस ओशियन की एक ड्रॉप को देखेंगे तो क्या वो भी हमें ब्लू कलर की दिखेगी नहीं पूरा ओशियन हमें ब्लू कलर का दिखता है बट उसका पार्ट पार्ट हमें नहीं दिखता ब्लू कलर में वर्बल फैलेसी so right? है, तो है या फिर आप कहें फैलेसी है, है ये भी इसमें क्या है एक्सेंट का मतलब क्या है एक्सेंट का मतलब है कि हम किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस दे रहे हैं उससे उस सेंटेंस उस का मतलब बदल सकता है

इसका मतलब मैंने टेस्ट नहीं दिया मैंने कल कुछ और किया और फाइनली आई डिड नॉट टेक द टेस्ट यस्टरडे इसका मतलब मैंने टेस्ट कल नहीं दिया मैंने किसी और दिन दिया तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड पे करने से उसका मीनिंग बदल जाता है सो दिस इज अ टाइप ऑफ वर्बल फैलेसी राइट नाउ नेक्स्ट आती है हमारी रेड हेरिंग फैलेसी अब ये क्या होता है इन दिस फैलेसी इलेवेंट टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन आर्ग्यूमेंट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लिस्नर्स फ्रॉम द ओरिजिनल इश्यू तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के बीच में दूसरा टॉपिक घुसा देते हैं ताकि लोगों की अटेंशन डायवर्ट हो जाए तो इसका जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे अगर मदर और छोटे बच्चे के बीच में कन्वर्सेशन होती है तो सपोज अगर छोटा बच्चा कुछ जिद करने लगता है तो मदर कोई दूसरी बात करके उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर देती है तो सिमिलरली आर्ग्यूमेंट में भी ऐसा होता है तो आप एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे दो लोग हैं माइक और केन तो उनके बीच की कन्वर्सेशन देखिए आप Mike कहता है, है। तो कह रहे हैं अपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ चीट करना गलत बट वॉट इज मॉरलिटी एग्जैक्टली अब देखिए कैन यहाँ पे कन्वर्सेशन से डाइवर्ट हो रहा है मतलब मेन जो इशू है उससे वो डाइवर्ट हो रहा है और बेसिकली पूछ रहा है कि मोरालिटी क्या होती है तो उसने मेन इशू से कन्वर्सेशन को डाइवर्ज कर दिया फिर माइक कहता है इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट शेयर्ड बाय कल्चर्स तो मोरालिटी की डेफिनेशन बता रहे हैं फिर कैन कहता है बट हु क्रिएट्स दिस कोड तो जो ओरिजिनल इशू था उससे तो हम डाइवर्जी हो गए दिस इज कॉल्ड रेड हेरिंग फैलेसी देन नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ इग्नोरेशियो इलेंची इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ इलेवेंट कंक्लूजन तो यहाँ पे जो हम अपनी प्रिमाइस के बेस पे जो कंक्लूजन पे आते हैं वो कंक्लूजन इलेवेंट होता है तो बेसिकली हमारी स्टेटमेंट और हमारे कंक्लूजन के बीच में कोई सिंक नहीं है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए तो है है जो स्कूल चिल्ड्रन डेज दे कैन नीदर रीड नॉर राइट कह रहे हैं आजकल के जो बच्चे हैं वो ना ढंग से पढ़ रहे हैं और ना ढंग से लिख पा रहे हैं अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला है क्लियरली प्रेयर शुड बी रिटर्न इन द क्लासरूम तो कह रहे हैं तो इसलिए हमें क्लासरूम में प्रेयर कंट्रीड्यूस करना पड़ेगा

बट कोई एक्सेप्शन भी होते हैं जैसे कि पैंग्विन और कुछ और भी ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते तो अगर हम इस एजम्शन को कि बर्ड्स कैन फ्लाई इसको हम पेंगुइन में यूज करें तो हम बोले कि बिकॉज बर्ड्स कैन फ्लाई सो दैट इज वाई पेंगुइन इज अ बर्ड एंड सो पेंगुइन शुड ऑल्सो फ्लाई तो अगर हम ऐसा बोले तो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक जनरल रूल में भी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं राइट नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ स्ट्रॉमैन इसका मतलब क्या होता है इसमें हम अपने ओपोनेंट जो होता है उसके आर्ग्यूमेंट को या तो एक्जरेट करते हैं या उसके आर्ग्यूमेंट का गलत मीनिंग निकाल के अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं सो बेसिकली वी ट्राई टू वीकन द ओपोनेंट पोजिशन एंड ट्राई टू स्कोर पॉइंट सो ये काफी आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है न्यूज चैनल में उसमें काफी होता है उसमें क्या करते हैं पॉलिटिकल डिबेट्स में जो स्पीकर होते हैं वो दूसरे स्पीकर की बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसके ऊपर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने पॉइंट को बेटर रखने की कोशिश करते हैं राइट तो उसका एग्जाम्पल देखिए आप एक पर्सन ए पर्सन बी पर्सन ए कहता है वी शुड रिलैक्स द लॉज ऑन बियर तो कह रहे हैं हमें बियर के ऊपर जो लॉज है उसको थोड़ा सा लूज करना चाहिए थोड़ा सा इजी करना चाहिए बट पर्सन बी क्या बोलता है नो एनी सोसाइटी विद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इन टॉक्सिकेंट्स लूज इज द वर्क एथिक्स

इसको पूरा बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम तो ये बेसिकली लैटिन वर्ड है तो यहां पे आप फेले में देखेंगे लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का काफी यूज हुआ है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा जो दो हमारे फिलोसफर से मेन प्लेटो और एरिस्टोटल तो वो भी ग्रीस से ही थे बेसिकली तो इसलिए राइट right? तो ये एड होमिनम फैलेसी क्या होती है इट अकर्स वेन वी शिफ्ट आर फोकस फ्रॉम द प्रिमाइसिस एंड कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट फोकस इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल मेकिंग आर्ग्यूमेंट तो बेसिकली पर्सन जो है उस पर अटैक कर रहे हैं उसकी आर्ग्यूमेंट पे अटैक नहीं करते डायरेक्टली अटैक करते हैं और तो लाइक नहीं करते या वो पर्सन किसी केस में फंसा हो तो उसकी स्टेटमेंट को तो उसके आर्ग्यूमेंट को मेरिट ना देखें हम उस पर्सन पर डायरेक्टली अटैक करते हैं तो हम बोलेंगे कि उस पर्सन ने स्टेटमेंट बोली है तो तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगी सो दिस इज कॉल्ड एड इज फैलसी कॉल्ड अपील टू पिटी तो इस टाइप की आर्ग्यूमेंट में हम एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंपथी सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपील फॉर सिंपथी और अपील फॉर पिटी तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए आई नो द एग्जाम इज ग्रेडिड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बट यू शुड गिव मी एन ए ग्रेड अब एक बच्चा टीचर से बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि एग्जाम में जो ग्रेड दिए जाते हैं वो परफॉर्मेंस के बेस पे दिए जाते हैं बट आप प्लीज मेरे को अच्छा ग्रेड दें बिकॉज माई कैट हैज बिन सिक माई कार ब्रोक डाउन एंड आई है कोड सो इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू स्टडी सो बेसिकली सिंपथी गेन करना दिस इज कॉल्ड अपील टू पिटी देन नेक्स्ट है अपील टू इग्नोरेंस टम एड इग्नोरेशियम तो आपको ये लैटिन नेम्स जो है आपको ये भी याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन होंगे आपको ऐसे ऑप्शन भी दे सकते हैं एग्जामिनर राइट लास्ट दिसंबर 2019 में ऐसा ऑप्शन दिया था तो इसलिए आपको इनके लैटिन नेम्स भी पता होने चाहिए राइट right? तो ये अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है इट प्रपोजेज दैट वी एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ अ प्रोपोजिशन अनलेस

बट दिस इज नॉट अ करेक्ट रीजनिंग सो दिस इज असी इट इज कॉल्ड अपील टू इग्नोरेंस राइट ना मूविंग ऑन नेक्स्ट है इसमें क्या होता है कोई ऐसा पर्सन जिसके पास पावर हो या जो पावरफुल हो वो दूसरे पर्सन को थ्रेटन करे वो कहे कि आप मेरे व्यू पॉइंट या मेरी स्टेटमेंट को मानो आप उसको अपोज मत करो अगर आपने अपोज करा तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे आपको नौकरी से निकाल देंगे तो इस तरीके की, की बात इसको हम अपील टू स्टिक भी कहते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट ज्वाइन आर डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ द पार्क देन वी विल एविक्ट और वी विल रिमूव यू फ्रॉम योर अपार्टमेंट सो इस आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है दैट यू शुड ज्वाइन आर डेमोन्स्ट्रेशन इट इज बेस्ड ऑन अ थ्रेट राइट देन नेक्स्ट इज अपील टू अथॉरिटी आर्ग्यूमेंटम एड So, क्या होता है ओपिनियन ऑफ समवन फेमस और समवन वन इन अनदर एरिया ऑफ एक्सपर्टीजेंट है ट्रूथ ऑफ अंक्लूजन तो अगर कोई रिनाउंडसनैलिटी कोई बात कहता है तो उसको ट्रू मान लिया जाता है सो दिस इज अ फेले सो एग्जाम्पल है वी शुड अबॉलिश डेथ पेनल्टी मेनी रिस्पेक्टेड पीपल सच एस एक्टर गायसम कोई एक्टर ने भी अगर इस चीज को बोला है और वो एक्टर काफी रिनाउंड है तो ये रीजनिंग दी गई है तो आप खुद देखिए डेथ पेनल्टी बेसिकली एक जुडिशरी का मामला है या फिर एक ये थोड़ा सा ह्यूमन राइट का भी इशू है तो इसमें एक्टर्स का ओपिनियन इतना रेलेवेंट नहीं होना चाहिए इसमें उन लोगों का ओपिनियन रेलेवेंट होना चाहिए जो इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं या फिर जो इस फील्ड से रिलेटेड है राइट सो मे बी जुडिशियल पीपल और मे बी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट राइट लॉयर्स सो दिस इज अ फैलेसी नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट इज अपील टू इमोशन और अपील टू पीपल विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंटम एड तो इसमें क्या होता है इमोशनली चार्ज लैंग्वेज का यूज किया जाता है ताकि लोगों को कोई चीज एक्सेप्ट कराने के लिए मजबूर कर दिया जाए सो so, या तो हम पॉपुलर ओपिनियन की बात करेंगे या फिर कॉमन नॉलेज तो एग्जाम्पल देखिए प्रिमाइस है हमारी दैट दीज डेज एवरी वन हैज अ कार एंड नोज हाउ टू ड्राइव कि आजकल सबके पास गाड़ी है और सबको चलानी भी आती है तो so, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन ये निकल रहा है सो यू शुड ऑल्सो अ कार एंड नो हाउ टू ड्राइव जबकि ये सही नहीं है दिस इज द फैलेसी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हो वो हमें भी करना हो राइट सो दिस इज द अपील टू इमोशन देन नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन हैस्टी मतलब जल्दी में तो बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अगर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन या फिर एक स्मॉल सैंपल के बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन के लिए कोई चीज अगर कंक्लूड कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन इसका एग्जाम्पल देखिए काफी है day, 14, 69 really अब कह रहे कि मेरे फादर काफी स्मोकिंग करते थे और उसके बावजूद वो सिक्सटी नाइन साल तक जी लिए तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर हम कंक्लूड करें कि स्मोकिंग इतनी बुरी नहीं है तो वो गलत होगा क्योंकि आप खुद देखिए यहां पे सिर्फ आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपका सैंपल बहुत छोटा है तो दिस इज फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप तो इसमें क्या होता है हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम फर्दर स्टेटमेंट्स डिराइव करते हुए एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि सही नहीं होता तो ये डराने के लिए काफी यूज होता है तो जैसे कि एग्जाम्पल दे हम बोलेंगे अगर तुम तुमने ये किया तो ये हो जाएगा ये किया तो फिर वो हो जाएगा तो इस तरीके से अगर हम डराते हैं लोगों को तो बेसिकली हम बड़ा चढ़ा के किसी चीज का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं राइट तो इसका एग्जाम्पल देखिए यू हैव डिसाइडेड नॉट टू गो कॉलेज इफ यू डोंट गो टू कॉलेज यू वॉन्ट गेट अ डिग्री इफ यू डोंट गेट अ डिग्री यू वॉन्ट गेट अ गुड जॉब इफ यू डोंट गेट अ गुड जॉब यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय लाइफ

का मतलब होता है टू थिंग्स या फिर टू चॉइसिस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग और और फैलेसी सो इन दिस फैलेसी द द सेट्स अप सिचुएशन सो दैट इट लुक्स लाइक देर आर ओनली टू देन द दर्ग्यूअर एलिमिनेट्स वन ऑफ द चॉइस सो दैट वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन राइट तो इसका एग्जाम्पल देखिए इधर यू सपोर्ट दिस लॉ विच गिवस मोर पावर टू द पुलिस और यू मस्ट बी अ क्रिमिनल यहां पे देखिए दो चॉइस ही दिए हैं कि या तो आप इस कानून का सपोर्ट करिए और अगर आप इस कानून का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको हम क्रिमिनल मान लेंगे जो कि सही नहीं है अगर हम किसी चीज का सपोर्ट नहीं भी करते तो जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल हो राइट तो दिस इज कॉल्ड ईदर और फैलेसी तो यहां पे दो ही ऑप्शन रखे जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है जबकि वो गलत है क्योंकि ऑप्शन और भी होते हैं राइट नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट होक फैलेसी ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स कॉज फैलेसी इसको हम बोलते हैं पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉपर हॉक इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी चीज के बाद हुई है तो जो चीज पहले हुई है उसको कॉज मान लिया जाए व्हिच इज रॉंग एग्जांपल देखिए मैरी wore her favorite necklace today and aced her spelling test कहते हैं मैरी ने अपना फेवरेट नेकलेस पहना था और उसको स्पेलिंग टेस्ट में फुल मार्क्स आए तो अब अगर हम ये कह लें कि नेकलेस पहनने से उसको अच्छे मार्क्स आए हैं तो वह गलत होगा बिकॉज वियरिंग नेकलेस इज नॉट अ कॉज फॉर गुड परफॉर्मेंस इन स्पेलिंग टेस्ट राइट नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ फॉल्टी एनोलॉजी तो एनोलॉजी होता है जब हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं राइट right? तो इसको अब एग्जाम्पल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा इफ अ चाइल्ड गेट्स अ न्यू टॉय ही और शी विल वॉन्ट टू प्ले विद इट सो अब कंक्लूजन क्या है सो इफ अ नेशन गेट्स न्यू वेपन इट विल वॉन्ट टू यूज दम अब यहाँ पे चाइल्ड को न्यू टॉय देना और नेशन का न्यू वेपन्स लेना इसको कंपेयर किया गया है जो कि सही नहीं है दोनों का कंपेरिजन एप्रोप्रिएट नहीं है दैट इज वाई इट इज अ फॉल्टी एनालॉजी और वीक एनोलॉजी यहाँ पे कंपेरिजन हमने सही नहीं किया है नाउ नेक्स्ट इज बैगिंग द क्वेश्चन इट मीन्स दैट द आर्ग्यूमेंट प्रमाइसिस अज्यूम द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन तो यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट है और जो हमारा कंक्लूजन है तो बेसिकली हमारा प्रिमाइस और हमारा कंक्लूजन दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं इट इज कॉल्ड द क्वेश्चन इसको हम सर्कुलर रीजनिंग भी बोलते हैं या फिर इन सर्कल हम एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं मतलब हमारा प्रिमाइस ही वही है और हमारा कंक्लूजन भी वही है एग्जाम्पल देखिए हैप्पीनेस इज द हाइएस्ट गुड फॉर अ ह्यूमन अंग सिंस ऑल अदर वैल्यूज आर इनफीरियर टू इट अब ये जो रीजन दिया है

तो आप पहचान पाए कि किस फैलेसी की बात की जा रही है सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा मैंने काफी सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप सो ये टेलीग्राम ग्रुप काफी यूजफुल है इस ग्रुप पे आप अपनी क्वेरीज और डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं एंड उसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगी एंड मोर ओवर इस ग्रुप पे हम रेगुलर क्विजेज भी कंडक्ट कराते हैं तो आपको इन क्विजेज में पार्ट लेना चाहिए ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स स्टडी वेल फॉर एग्जामिनेशन हैव अ नाइस डे